तो देखो डिविडेंड तो क्या हुआ, सॉरी डिवाइसर तो क्या हुआ 26, और 966 क्या हो जाएगा डिविडेंड, क्या हो जाएगा डिविडेंड। तो सॉल्व करो 26, 93 नहीं आते, उससे छोटी कौन सी आती है 78, कितने टाइम में 3 टाइम में। सॉल्व करो 13 में से 8 को लेस किया तो 5, 8 में से 7 को लेस किया तो 1, पर क्या बच रहा है 6, 6 को भी कहां कैरी कर लेंगे यहां पे, कितना हो गया 156, कितना हो गया 156। ठीक है, अब 26 के टेबल में 156 नेम आ जाए 6 टाइम, तो ये हो गया 156, हो गया पूरा सॉल्व, हो गया ये पूरी पूरी बार डिवाइड। अब देखो अगर ये पूरी पूरी बार डिवाइड हो जाता ना, तो ये 26 क्या होगा, इसका भी एचसीएफ होगा। तो दो एचसीएफ ऑफ 208494 एंड 903, इन तीनों का एचसीएफ क्या होगा 26, क्या होगा इन तीनों का एचसीएफ 26। नेक्स्ट है आपका एफ वाला, क्या है कौन सा है एफ वाला, आपको 3 डिजिट दी हुई है, तो पहले हमने शुरू की 2 डिजिट ली थी, अब कौन सी लेंगे, ये वाली और ये वाली, ले ली, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ये हो गया डिवाइसर, ये हो गया डिविडेंड, ये हो गया 2 टाइम है। ठीक है, 12 में से 8 को लेस किया तो 4, 6 का 6, 9 में से 5 को लेस किया तो 4, ये हो गया अपना न्यू डिवाइसर। डिविडेंड कौन होगा, जो पहले डिवाइसर था, डिवाइसर ये रहा, कितने टाइम में हुआ 1 टाइम में, लेस की लेस करो 4 में से 4 को लेस करेंगे तो 0, 5 में से 6 लेस नहीं होगा, जैसे बोरो ले लेंगे 15 में से 6 को लेस करेंगे तो 9, 6 में से 4 को लेस करेंगे तो 2, कितना हो गया 290, ये तो हो गया अपना न्यू डिवाइसर। डिविडेंड क्या हुआ, जो पहले डिवाइसर था 460, कितने टाइम में हुआ 1 टाइम में, तो कितना हो गया 4 में से 0 को लेस करेंगे तो 4, 6 में से 9 लेस नहीं होगा, जैसे बोरो ले लेंगे 16 में से 9 को लेस किया तो 7, और 3 में से 2 को लेस किया तो 1, कितना हो गया 174, ये तो हो गया आपका न्यू डिवाइसर। और डिविडेंड क्या हो जाएगा, जो पहले डिवाइसर था 290। ठीक है, 1 टाइम में हो गया, 10 में से 4 को लेस किया तो 6, 8 में से 7 को लेस किया तो 1, और 2 में से 1 को लेस किया तो 1, कितना हो गया 160, ये क्या हो गया न्यू डिवाइसर। डिविडेंड क्या हुआ, जो पहले डिवाइसर था 174, कितने टाइम में हुआ 1 टाइम में, तो 116, 14, 4 में से 6 लेस नहीं होगा, जैसे क्या ले लेंगे बोरो, 14 में से 6 को लेस किया तो 8, 6 में से 1 को लेस किया तो 5, और 1 में से 1 को लेस किया तो ये हो गया अपना न्यू डिवाइसर। क्या हो गया ये न्यू डिवाइसर। डिविडेंड क्या होगा, जो पहले डिवाइसर था, पहले डिवाइसर क्या था 116, तो ये आ गया 116। ठीक है, 58 से कितने टाइम में होगा ये 2 टाइम में, तो 116 आ गया, तो अपना डिवाइड यही खत्म हो गया, तो लास्ट डिवाइसर क्या आया 58, तो इन दोनों नंबर्स का डिवाइसर क्या हो जाएगा, सॉरी इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या हो जाएगा 58। द एचसीएफ ऑफ 754 एंड 1972 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 58। लेकिन आपको तो क्या दिया हुए, 3 नंबर्स दिए हुए ना, जिसमें इसका और इसका तो आप निकाल चुके हो, आप किसका निकालना है, आपको इसका निकालना है, इसका निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो इनका एचसीएफ आया है उनसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो नाउ वी फाइंड द एचसीएफ ऑफ 50 एंड 1508 का, इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा, तो चलो हम डिवाइड कर देते हैं। देखो 58 के टेबल में 150 नहीं आते, उससे छोटी डिजिट कौन सी आती है 116, कितने टाइम में 2 टाइम में, लेस करते 10 में 6 को लेस किया तो 4, 4 में से 1 को लेस किया तो 3, और 1 में से 1 को लेस किया तो 0, अब ये आइडिया होता है कितना हो गया 348। 58 के टेबल में 348 कितने टाइम आती है 6 टाइम, तो 348 ये भी पूरी पूरी बार डिवाइड हो गया, एग्जैक्टली डिवाइड हो गया ना, तो द एचसीएफ ऑफ 754 1508 एंड 1972 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 58। आज तक आज यहीं तक, अब जो बचा है उसे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके स्टूडेंट, स्टे सेफ एंड स्टे होम।